अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम अपना 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक एक्चुअली पार्ट हमारे प्रीवियस टॉपिक का जो हमने कल डिस्कस किया था। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था कि आपको याद होगा कि ग्लैंड जो है वो दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का फिर हमने फर्दर डिफरेंस भी देखा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, फिर वो अपने टारगेटेड एरिया तक वहाँ पहुँचते हैं और फिर वो वहाँ पर जाके अपने ये जो सिक्रीशंस होती हैं उनकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, उनको हार्मोन्स कहा जाता है। और ये ग्लैंड्स कौन कौन से थे? पिट्यूटरी ग्लैंड्स था, गुनेड्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एंड सो ऑन। और दूसरी तरफ हमारे पास है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि कौन से हैं? वो हमारे पास उनके पास प्रॉपर डक्ट होती है, ये अपने टारगेटेड एरिया तक उसी डक्ट के जरिए से जाते हैं। लाइक अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई ग्लैंड है तो वो अपनी अगली सिक्रीशंस को उस तरह से लेकर जाएगा और वो उनकी जो सिक्रीशंस होती हैं केमिकल सिक्रीशंस, उनको नाम दिया जाता है इंजाइम्स का। उनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड और स्किन ग्लैंड्स इसमें शामिल हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कुछ ग्लैंड्स को जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड शामिल थे। आज हम जो प्रीवियस हमारे कुछ ग्लैंड्स रह गए थे वो ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, उनमें हमारे पास पहला है हमारे पास पैंक्रियाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैंक्रियाज क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा ग्लैंड है जो फर्दर टू टाइप के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कितने तरह के? टू टाइप के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और वो फंक्शंस कौन से होते हैं? यानी कि ये एक्ट एक सेम टाइम में इसका एक पोर्शन जो है वो कंट्रोल करता है एक्सोक्राइन फंक्शन को और दूसरा कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। कैसे, किस तरह से, देखते हैं। पहला हमने जो हम पढ़ा है कि ये जो ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड इसको कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन हमने पढ़ा कि ये विद हैविंग डक्ट, इनके अपनी डक्ट होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है, अपनी, आपको याद होगा हमने 9th के अंदर के पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसमें स्टमक के साथ यहाँ पे जिस तरह लीवर मौजूद होता है, लीवर के साथ ही यहाँ पे दूसरा ग्लैंड मौजूद होता है पैंक्रियाज, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती थी, पैंक्रियाज ग्लैंड मौजूद होता है। अब ये जो पैंक्रियाज है ये अपनी सिक्रीशन को इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब अपने डक्ट के जरिए से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपनी सिक्रीशन को रिलीज करेगा। उन सिक्रीशन जो पैंक्रियाज है वो क्या करता है, अपने डाइजेस्टिव इंजाइम को थ्रू अ डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर देता है। ये बात अभी हमने यहाँ पे देखी कि स्टमक के साथ ही अटैच होता है नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर और उसके पैंक्रियाज के, ये पैंक्रियाज जो बिल्कुल लीवर के नीचे होते हैं। हमने क्या पढ़ा कि पैंक्रियाज लीवर के नीचे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और वहाँ पे ये अपने सिक्रीशन को थ्रू अ डक्ट किस में ट्रांसिट कर देता है, ये उसमें ट्रांसमिट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे उसका जो दूसरा पोर्शन होता है इसका पैंक्रियाज का, वो क्या कर, वो डक्टलेस होता है, ठीक है, मतलब वो एंडोक्राइन सिस्टम पे कंसिस्ट होता है। और ये पोर्शन क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं एंडोक्राइन सेल्स के जो जिनको नाम दिया जाता है, जो रेफर करते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंग्रहेंस को। ये वो पोर्शन होता है जो दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एक का नाम होता है इंसुलिन, एक का नाम होता है ग्लूकागॉन। बेटा इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट जॉब परफॉर्म करते हैं। मतलब जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो वो किसकी वजह से होगा, इंसुलिन की वजह से। और अगर क्या हो कि ब्लड ग्लूकोज ब्लड कंसंट्रेशन के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, वो किसकी वजह से होगा, ग्लूकागॉन की वजह से। यानी कि उस ब्लड के अंदर पैंक्रियाज की जो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ गया है। सेम एज वेल हम अगर ये कहते हैं कि इंसुलिन जो है उसकी मात्रा कम होगी तो उसकी किसकी वजह से होगी, वो इंसुलिन की प्रोडक्शन की ज़्यादती की वजह से होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम यह देखते हैं कि अगर इनके ड्यूरिंग फंक्शनिंग, यानी कि अगर इन पैंक्रियाज अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज हो रहे हैं, तो इनकी दोनों की रिलीजिंग एक्चुअली ग्लूकोज कंसंट्रेशन का लेवल एक इक्वलिटी में रखते हैं, उसको बैलेंस में रखते हैं, ठीक है। उस तरफ अगर कहते हैं कि अगर किसी शख्स में क्या हो जाए कि नॉर्मल इंसुलिन ना बन रही हो ब्लड ग्लूकोज के अंदर, तो डेफिनेटली उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को डिक्रीज करती है। अब इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रही तो उसका मतलब उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसे पेशेंट को हम क्या कहेंगे, डायबिटीज़ मलाइटिस, उसको यानी कि डायबिटीज़ है जो कि डायबिटीज़ मलाइटिस है। सेम इसी के अपोजिट, अगर किसी पर्सन के अंदर ग्लूकोज जो नॉर्मल इंसुलिन की बजाय हम क्या कहते हैं नॉर्मल ग्लूकागॉन नहीं बन रहा,
नॉर्मल ग्लूकागन नहीं बन रहा तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्लूकोज है वो फॉल कर जाएगा, ठीक है। और फॉल उसको कहेंगे डायबिटीज़ इंसिपाइडस, वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, वो अलग फंक्शन है। अब ये जो डायबिटीज़ मेलाइटिस या डायबिटीज़ इंसिपाइडस, उसको चेक किसके जरिए से किया जाता है, उसको एक प्रॉपर टेस्ट है जिसका नाम दिया जाता है BGC टेस्ट। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिसके अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को ब्लड के अंदर मापा जाता है, उसकी पैमाइश की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था पैंक्रियाज। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है गुनेड्स। गुनेड्स कहते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को, जो दो तरह के होते हैं। मेल के अंदर जो होते हैं उनको टेस्टिस कहते हैं, फीमेल के अंदर जो होते हैं उन्हें ओवरीज कहते हैं। इनके डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बात करते हैं टेस्टिस की, जो कि मेल गुनेड है। ये क्या होते हैं? मेल गुनेड है, और ये ओवरीज जो है वो ये फीमेल गुनेड्स कहलाते हैं। इनकी जो सिक्रीशंस होते हैं मेल गुनेड्स की, उनका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है उनका? टेस्टोस्टेरोन। और ये मेल हार्मोन्स कहलाते हैं, और जो फीमेल गुनेड्स होते हैं ओवरीज, उनकी जो सिक्रीशंस है उनका नाम है, उनके जो हार्मोन्स उनका एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों इन तीनों को टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। गुनेड्स जिनके टेस्टोस्टेरोन और फीमेल गुनेड्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इनके फंक्शन एक्चुअली डिफरेंट है। टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? बियर्ड ऑन फेस, बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रेंथ, जो बॉडी मजबूत होती है। मेल की जो स्किन होती है फीमेल की स्किन की निस्बत हार्ड होती है। मेल की बॉडी शेप फीमेल की बॉडी शेप से डिफरेंट होती है। मेल की वॉइस जो होती है वो थोड़ी क्रूशियल होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल वॉइस। तो ये जो है तो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? वो आवाज़ को कंट्रोल करना, आवाज़ का जो भारीपन है चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर जो बाल आ जाना, दाढ़ी का आ जाना, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से कंट्रोल होते टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ ओवरीज है जिनके हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि उनकी आवाज़, उनके जिस्म की शेप, बॉडी शेप, ब्रेस्ट ओब्रेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे फीमेल हार्मोन के काम होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक, वो हमारे पास है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक किसे कहते हैं? फीडबैक कहते हैं द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की जो आउटपुट होती है दैट इज़ द फीडबैक, वो क्या कहलाती है? फीडबैक। और फीडबैक यानी कि ये रिस्पॉन्स है जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये फीडबैक हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट करता है, किस तरह से वर्क करता है। ये फीडबैक हमारी बॉडी में दो तरह का होता है, एक को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, एक को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक के लिए आपको याद करना होगा प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीटोसिन के हवाले से। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन था जो फीमेल के अंदर मिल्क इंजेक्शन का काम भी करता था फॉर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दौरान ऑक्सीटोसिन जो है वो अपनी सिक्रीशन या रिलीजिंग को प्रोसेस को तेज़ कर देता है, यानी कि जिस तरह मिल्क सकिंग शुरू होती है उसी तरह मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। तो ये एक साइड बाई साइड सेम काम हो रहे हैं, बच्चे को दूध चाहिए उसके बराबर उसे, यानी कि जिस तरह मिल्क सकिंग बढ़ती है मिल्क प्रोडक्शन भी एज वेल एज उसी तरह बढ़ती है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स होते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक, इसमें दोनों हार्मोन साइड बाय साइड अपोजिट जॉब परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वो कौन सी? जिस तरह की इंसुलिन और ग्लूकागन की अभी हमने बात की। इंसुलिन ग्लूकागन में क्या होता है? इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड के अंदर, सेम एज वेल एज ग्लूकागन उसी ग्लूकोज लेवल को क्या कर देते हैं? बूस्ट अप कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो जिसमें एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के अपोजिट जॉब परफॉर्म करेगा वो हमारे पास फिर नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो वो आप कैल्सिटोनिन हार्मोन और पैराथार्मोन की एग्जांपल भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं। वो भी दोनों एक कैल्शियम आयन को डिक्रीज करता है, दूसरा कैल्शियम आयन को ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा। तो वो भी नेगेटिव फीडबैक के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है बेटा, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और गुनेड्स भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में कोड किया जाता है। ये आज के जो हमारे तीनों टॉपिक हैं, गुनेड्स, फीडबैक और पैंक्रियाज, ये हमारे तीनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बोर्ड के हवाले से भी और आज के लेक्चर के हवाले से भी। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन और क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया।